सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी कलयुगी मां को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी सगी 2 माह की मासूम बच्ची को चलती वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर इस वहम में मार डाला कि उसे डायन बेटी पैदा हुई है और वह उसके 4 वर्ष के बेटे को मार देगी। आरोपी महिला ने अपनी मासूम बच्ची को मारने के बाद बच्ची के शव को 16 घंटे पलंग पर लिटाकर रखा और राज खुलने के डर से बच्ची के शव को ओवन में छिपा दिया था। आरोपी मां की पहचान चिराग दिल्ली गांव निवासी डिंपल कौशिक पत्नी गुलशन कौशिक के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली है। डिंपल कौशिक की करीब 6 वर्ष पहले गुलशन कौशिक से शादी हुई थी। आरोपी मां डिंपल के पिता हरिओम बुलंदशहर यूपी में तांत्रिक है। दक्षिण जिला DCP बेनीता मेरी जैकर के मुताबिक सोमवार शाम करीब 4:30 बजे मालवीय नगर पुलिस को चिराग दिल्ली गांव के मकान नंबर 654 में 2 महीने की बच्ची के गायब होने की PCR कॉल मिली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि बच्ची को परिवार वाले मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले गए हैं, जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तब तक बच्ची की हत्या किसने की इस बात का पता नहीं चल पाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों तक परिजनों और बच्ची की मां से पूछताछ की। बच्ची की मां डिंपल कौशिक शुरू से ही बार बार अपना बयान बदल रही थी। शक होने पर पुलिस टीम ने बच्ची की मां से सख्ती से पूछताछ की तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। बच्ची की मां डिंपल ने भी अपनी 2 माह की मासूम बच्ची की हत्या करने की बात कबूल कर ली। आज को करीब दोपहर 12 बजे आरोपी मां डिंपल दूसरी मंजिल पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। आरोपी मां ने पहले अपनी 2 माह की मासूम बेटी का मुंह दबाया और फिर उसे चलती वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। मासूम बच्ची को काफी देर वॉशिंग मशीन में घुमाया, जब उसे लगा कि उसकी बच्ची मर गई है तब उसने बच्ची के शव को मशीन से बाहर निकाला। इसके बाद उसने शव को पहली मंजिल पर स्थित बेडरूम में ले जाकर लिटा दिया था। परिजनों ने जब बच्ची के बारे में पूछा तो डिंपल यही कहती रही कि उसकी तबीयत खराब है, उसे जुकाम हो गया है, वो सो रही है। तबीयत खराब होने की वजह से परिजनों ने बच्ची की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बच्ची का शव 16 घंटे रखे रहने के कारण काफी हद तक सड़ गल गया था। शव से बदबू भी आने लग गई थी। बच्ची के शव से बदबू आने से उसे लगा कि राज खुल जाएगा, तो उसने 21 मार्च को शाम 4 बजे बच्ची के शव को माइक्रोवेव ओवन में छिपा दिया था। इसके बाद आरोपी मां डिंपल ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया और लेकिन शव से बदबू आने की वजह से उसका 4 वर्ष का बेटा उल्टी करने लगा। उल्टी करने पर 4 वर्षीय बेटे को पीटने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आरोपी महिला का पति गुलशन कौशिक, उसका छोटा भाई व गुलशन की मां पहली मंजिल पर गए। डिंपल ने कमरा अंदर से बंद कर रखा था। कमरे का शीशा तोड़कर ये लोग अंदर गए। डिंपल बेहोश थी, उसे मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही है। इसके बाद उसे घर ले गए। घर आकर बच्ची की याद आई तो गुलशन के छोटे भाई व पड़ोसियों ने अनन्या को खोजना शुरू कर दिया। घर में इधर उधर खोजने के बाद भी 2 माह की बच्ची का पता नहीं चला। काफी खोजने के बाद अनन्या का शव ओवन में मिला था। जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो रात को आई हूँ। बच्ची तो काफी खूबसूरत है, मतलब कुछ ऐसा प्यारी सी। हमारे घर में कोई कुछ उसके लेके कुछ नहीं था, हमारे घर में सब कुछ थे मुझसे। तो मतलब ऐसा क्या क्या वजह रही है? कुछ नहीं पता हमें, उसकी माँ को पता है, उसकी माँ को पता है सब कुछ। क्या नाम है आपका? ममता। आप भी बुआ हैं? लगातार पूछताछ करने के बाद आरोपी मां डिंपल ने बताया कि वो बेटी पैदा होने से परेशान थी। साथ ही उसे लगता था कि उसकी बेटी डायन पैदा हुई है और वह राक्षस प्रवृत्ति की है, बेटी बड़ी होकर उसके बेटे को मार देगी। बच्ची को लेकर उसके मन में डर की भावना पैदा हो गई थी। आरोपी मां डिंपल के पिता हरिओम बुलंदशहर यूपी में तांत्रिक है। वो अपने पिता के पास इस मामले में जाती थी। पुलिस जल्द ही उसके पिता से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है कि क्या वो बेटी को लेकर कोई बात करती थी, क्या वो बेटी पैदा होने को लेकर भी परेशान थी। पुलिस ने देर शाम को आरोपी डिंपल को कोर्ट में पेश किया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस।
और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।